यूपी निकाय चुनावों में दल बदल का खेल चल रहा है। नेता टिकट की आस में दल बदल रहे हैं, लेकिन इस दल बदल के खेल में बीजेपी में बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। मंत्री ही आपस में भिड़ गए हैं। पार्टी के फैसले से नाराज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी नाराज हो गए हैं। तो क्यों नाराज हुए नंदी और कौन है उनके निशाने पर, जिससे हैरान है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाया है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट में दो ताकतवर मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला की बीजेपी में एंट्री। नंद गोपाल नंदी ने सपा नेता की एंट्री पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय विधायक होने के बावजूद उनसे इस मामले को लेकर चर्चा तक नहीं की गई। उन्होंने पार्टी के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के तौर पर रईस चंद्र शुक्ल बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। मैंने चुनाव में उन्हें बुरी तरह हराया। अब रईस चंद्र शुक्ल को बीजेपी ज्वाइन कराई गई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है और मुझे ही अंधेरे में रखा गया है। मेरे लिए ये घोर अपमानजनक और आपत्तिजनक है। ये बेहद गंभीर प्रकरण है। कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। वे अपनी हट धर्मिता से पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी अपनी ही सरकार के फैसले पर भी सवाल उठा चुके हैं। पिछले दिनों उनके विभाग में संविदा पर हुई नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।